इस कहानी की शुरुआत में हम एक जाइंट स्नेक को देखते हैं, जिसे कुछ साइंटिस्ट के द्वारा कैद करके रखा गया था ताकि वो उस पर एक्सपेरिमेंट करके उससे रीजनरेटिव सेल्स को बाहर निकाल सकें। मगर जब मिजोंग को इस बात का पता चलता है कि उस स्नेक पर किए गए सभी एक्सपेरिमेंट्स फेल हो चुके हैं, तब वो काफी गुस्से में आ जाता है। वो नहीं चाहता था कि किसी को भी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चले, इसलिए वो अपने आदमियों से उस जाइंट स्नेक के साथ साथ बाकी सभी साइंटिस्ट को मारने के लिए कहता है। मिजोंग के कहने पर वो लोग सांपों को इकट्ठा करके लैब के पास ले आते हैं और उन्हें एक गड्ढे में डालना शुरू कर देते हैं ताकि वो उन्हें जिंदा दफन कर सकें। तो वहीं दूसरी तरफ मिजोंग वो उस जाइंट स्नेक को मारने के लिए उसकी बॉडी में जहर इंजेक्ट कर देता है, मगर उस स्नेक पर उस जहर का जरा भी असर नहीं होता। इससे पहले कि वो ग्लास तोड़कर बाहर आ जाए, मिजोंग अपनी असिस्टेंट्स के साथ लैब से बाहर आ जाता है और एक हेलीकॉप्टर लेकर आइलैंड से निकल जाता है। मिजोंग के वहां से जाते ही उस आइलैंड पर बहुत सारे स्नेक्स आ जाते हैं और वो सोल्जर्स पर हमला करके उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। यही नहीं, एक दूसरा स्नेक जिसे उन्होंने बंदी बनाकर रखा हुआ था वो भी ग्लास तोड़कर बाहर आ जाता है और लैब में मौजूद सभी लोगों को मार डालता है। मीना और टीना वो दोनों अपनी जान बचाते हुए जंगल में आ जाती हैं, लेकिन वो जाइंट स्नेक उन दोनों पर हमला कर देता है और उन्हें भी मार डालता है। मूवी का सीन चेंज होता है और हम जेसन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो क्रूज पर मौजूद एक आदमी पर नजर रखे हुए था, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड जो जेसन को देख रहा था वो उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है। लेकिन तभी वहां पर किन नाम का एक आदमी आ जाता है और वो उससे फाइट करने लगता है ताकि वो जेसन को अपने साथ ले जा सके। सिक्योरिटी कैप्टन लिन जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था, वो किन के पास आकर उसे फाइट करने से रोक लेता है। किन कैसे भी करके जेसन को पकड़ना चाहता था, इसलिए वो उसे ढूंढते हुए नीचे आ जाता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन जेसन खुद को छुड़ा कर वहां से भाग जाता है। अब हम लूसी को देखते हैं जो कि एक जर्नलिस्ट थी और किन पर नजर रखे हुए थी। वो जैसे ही किन की फोटो लेने के लिए आगे बढ़ती है, उसका कैमरा नीचे गिर जाता है और किन उसे पकड़ लेता है। जब किन कैमरा चेक करता है तब उसे अपनी कुछ फोटोज मिलती हैं, जिसे देखने के बाद वो समझ जाता है कि लूसी यहाँ उसका पीछा कर रही है। किन लूसी से पूछता है कि तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रही हो। लूसी उसे बताती है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं यहाँ पर कैस मेडिकल ग्रुप के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने आई हूँ ताकि मैं उसे एक्सपोज कर सकूँ। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बहुत सारे स्नेक्स आ जाते हैं और वो बोट पर मौजूद सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। लोगों की चीखें सुनकर जब किन बोट के अंदर जाता है तब उसकी नजर बहुत सारे स्नेक्स पर जाती है जिन्होंने बोट पर मौजूद लोगों पर हमला कर दिया था। किन उन स्नेक्स से बचते हुए दूसरी साइड आ जाता है और बाकी बचे हुए लोगों को वहां से चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहां पर एक जाइंट स्नेक आ जाता है और वो उनमें से एक आदमी को निगल जाता है। इससे पहले कि वो जाइंट स्नेक उन्हें भी मार डाले, किन अपनी जान बचाते हुए रूम से बाहर आ जाता है जहाँ उसकी नजर अपने फ्रेंड लिन पर जाती है जो बोट के ओनर लुइस और उसकी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट कर रहा था। लुइस उन लोगों को लेकर आगे बढ़ने लगता है और उन्हें लेकर नीचे आ जाता है। लुइस कैसे भी करके खुद को बचाना चाहता था, इसलिए वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, मगर कमरे में मौजूद स्नेक्स उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार डालते हैं। इससे पहले कि वो जाइंट स्नेक उन्हें भी मार डाले, किन बेसमेंट का दरवाजा तोड़ देता है और उन्हें लेकर नीचे बेसमेंट में आ जाता है, लेकिन वो स्नेक उनका पीछा करते हुए वहां पर भी आ जाता है। वो लोग उस स्नेक से बचने के लिए उस पर फायर एक्सटिंग्यूशर से हमला कर देते हैं और अपनी जान बचाकर ऊपर की तरफ आ जाते हैं जहां उनकी नजर बाकी सर्वाइवर्स पर जाती है जो कि अभी तक जिंदा थे। किन उन लोगों को लेकर जल्दी से कोल्ड रूम में आ जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है क्योंकि अब वो लोग बुरी तरह फंस चुके थे और कोल्ड रूम का टेम्परेचर भी धीरे धीरे डाउन हो रहा था, इसलिए वो लोग यहाँ से
निकलने का प्लान बनाते हैं। उनमें से एक लड़का जिसका नाम बिली था, जिसे स्नेक ने काट लिया था और कुछ देर बाद वो मरने वाला था, वो स्नेक का ध्यान भटकाकर उसे कोल्ड रूम के अंदर ले आता है और बाकी लोगों को कमरे से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेता है, जिसके बाद वो स्नेक उसे भी मार डालता है। वो लोग कैसे भी करके यहाँ से निकलना चाहते थे, इसलिए सब लोग कंट्रोल रूम में आ जाते हैं ताकि वो शिप को वापस स्टार्ट कर सकें। लूसी, जिसे शिप चलाने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, वो शिप को स्टार्ट कर लेती है और उसे लेकर आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी उस शिप को अचानक से एक जोर का झटका लगता है और वो शिप रुक जाती है। किन जब चेक करने के लिए ऊपर आता है तब उसकी नजर बड़े से जाइंट स्नेक पर जाती है, जिसने शिप को पकड़ कर रखा हुआ था। उस स्नेक को देखने के बाद किन दौड़कर कंट्रोल रूम में वापस आता है और सब लोगों को यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है। वो लोग किन की बात मानकर एक लाइफ बोट में बैठ जाते हैं और शिप से दूर आ जाते हैं। वो जाइंट स्नेक जो शिप को धीरे धीरे अपनी जकड़ में ले रहा था, इससे पहले कि वो शिप को कुचल डाले, किन शिप पर पेट्रोल छिड़क कर शिप को ब्लास्ट कर देता है और अपनी जान बचाकर लाइफ बोट के पास आ जाता है। अगले दिन जब सब लोगों की आंख खुलती है तब वो खुद को एक आइलैंड पर पाते हैं। किन जानता था कि पानी के पास रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो उन लोगों को लेकर आगे बढ़ने लगता है ताकि वो यहाँ से निकल सके। मगर किनारे पर मौजूद क्रीचर्स जो इंसानों का खून पिया करते थे, वो उन लोगों पर हमला करके उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि वो क्रीचर्स सभी लोगों को मार डालें, किन उन लोगों को लेकर जंगल के अंदर आ जाता है, जहां उनकी नजर एक मिलिट्री बेस पर जाती है। वो लोग उस बेस में मौजूद कुछ वेपन्स को अपने पास रख लेते हैं और एक रेडियो की हेल्प से रेस्क्यू टीम से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर सिग्नल ना होने की वजह से उनकी कॉल कट जाती है। वो लोग कैसे भी करके यहाँ से निकलना चाहते थे, इसलिए किन उन्हें लेकर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक जाइंट स्पाइडर आ जाता है और वो उन लोगों पर हमला कर देता है। लेकिन एक आदमी उस जाइंट स्पाइडर पर बॉम्ब से हमला कर देता है, जिसके बाद वो स्पाइडर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि अब बहुत ही कम लोग बचे थे। इसलिए किन उन लोगों को लेकर एक लैब में आ जाता है, क्योंकि बाहर रुकना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए वो लोग अपनी रात लैब में ही गुजारते हैं। उनमें से एक आदमी जिसका नाम बिली था, वो उन लोगों के सो जाने के बाद कंट्रोल रूम में आता है और एक किताब जिसमें उस जाइंट स्नेक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी उसे चुरा लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ जब किन की आंख खुलती है तब वो देखता है कि बिली वहां पर नहीं है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए बाहर आ जाता है। लेकिन वो जाइंट स्नेक जो किन को देख रहा था वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन लिन उसे बचा लेता है और उस पर फायरिंग करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्नेक उसे निगल जाता है और वहां से चला जाता है। किन जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो जाइंट स्नेक एक एक करके सबको मार देगा, इसलिए वो सब लोगों के साथ मिलकर उस जाइंट स्नेक को मारने का प्लान बनाता है। वो जेसन और सूजी को नुकीली लकड़ियां इकट्ठा करने और बिली को उस स्नेक का ध्यान भटकाने के लिए कहता है, ताकि वो सांप को जख्मी करके उसे पहाड़ से नीचे गिराकर उसे मार सके। लेकिन हम देखते हैं कि बिली जो उस जाइंट स्नेक को बचाना चाहता था वो किन पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच वहां पर वो जाइंट स्नेक आ जाता है और वो बिली को निगल जाता है। बिली को मारने के बाद वो स्नेक किन को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। किन खुद को बचाते हुए उस स्नेक को अपने पीछे ले आता है और उसे पहाड़ से नीचे गिरा देता है। सांप के नीचे गिरते ही ब्रैंकल्स को खून की गंध आ जाती है और वो उस स्नेक पर हमला कर देते हैं। स्नेक खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर वो ब्रैंकल्स आबादी में इतने ज्यादा थे कि वो चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पाता, जिसके बाद वो ब्रैंकल्स उस स्नेक को मार डालते हैं। सांप के मरने के बाद किन लूसी को लेकर किनारे पर आ जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।